अधिकार का डिस्कशन करते ही हैं पीके पे। इससे बेहतर तो होता पीके पे करना था तो वो जो आमिर खान की मूवी है ना उस पर कर लिया होता। सारी कहानी जो पीके की है उसमें दिख गई है कि कैसे वो आता है, लोकेटर मिस हो जाता है, फिर वो तरह तरह की चीज़ों में पड़ता है, फिर लोकेटर मिलता है, फिर चला जाता है। यही तो कहानी है उनकी राजनीति में, स्ट्रेटजिस्ट बनने के चक्कर में। कहते हैं ना, मैं आज एक जगह देख रहा था, ही हैज़ अ मिडास टच, ही हैज़ अ मिडास टच, जिसको छूते हैं वो सोना हो जाता है, एक कहानी थी, एक हेडलाइन था। पर मेरे हिसाब से ही हैज़ अ जुडास टच, ही हैज़ अ जुडास टच। क्रिश्चियनिटी में कहा जाता है कि क्राइस्ट को बिट्रे करने वाला जुडास था। ही इज नॉट अ मिडास टच, ही हैज अ जुडास टच। इन्होंने जिस पार्टी को टच किया उस पार्टी की तो लग गई, और जिस पार्टी ने इसको छोड़ दिया वो सर्वाइव कर गया। कहते हैं कि इनके ये अपना नाम बना रहे हैं, ये हैं सिक्का उछालते रहते हैं, ये शोले वाले सिक्का हैं, चित भी मेरा पट भी मेरा, जीत गया तो मेरी जीत, हार गया तो पार्टी खराब था, मेरी बात नहीं माना। तो एक स्ट्रेटेजिस्ट तो वो होता है ना जो एक पार्टी को रिवाइव करने की कोशिश करता है। कांग्रेस को रिवाइव करने की बात इन्होंने की, एक पूरा प्रेजेंटेशन दे दिया। उस प्रेजेंटेशन में कुछ नया नहीं था, वो G3 का प्रेजेंटेशन उठा के उन्होंने दे दिया होगा, रेप्लिकेट कर दिया। उन्होंने कहा नेतृत्व बदल दो, उन्होंने कहा पार्टी का नेता ही बदल दो, पार्टी का नेता बदल दो आप, नया चेहरा लाओगे तो शायद थोड़ा बहुत फायदा हो सकता है, उसमें आपकी क्या पहुँच है। आपने ज़मीनी स्तर पे किसी की बात की, आपने स्ट्रक्चरल जो ग्राउंड स्ट्रक्चर है उसके विकास की बात की। कांग्रेस तो आज भी ज़मीन तक है, शायद इकलौता पार्टी है बीजेपी के साथ, बीजेपी का तो अभी उभार आया है, बीजेपी के पहले से ये पार्टी है जिसकी पहुंच गांव-गांव तक थी, पंचायत लेवल तक, ब्लॉक ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट में इनके नेताओं की भरमार होती थी। आज भी इनके पास ऐसे ऐसे नेता हैं ना जिनके बारे में मैं कहूँगा कि सिर्फ शिखा खोल दें अपना तो भूचाल आ जाए। पर मजबूरी है उनकी भी, क्योंकि कमाई नहीं हो रही है, सरकार में इतने सालों से है नहीं तो कहाँ से कमाई होगी, और कमाई के बिना राजनीति चलता नहीं है। पहले हर, मुझे भी अभी भी याद है कि जिस समय आज से करीब 20 साल 25 साल पहले, सारे जो हमारे पत्रकार मित्र साथ में हैं इनको भी पता होगा, शायद ही NSUI तक के ब्लॉक का लेवल का, NSUI तक के ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट के लेवल के लोगों को पेट्रोल पंप और गैस सिलेंडर का लाइसेंस मिल जाता था, क्योंकि वो कांग्रेस के नेता, कांग्रेस से जुड़े होते थे। आज बड़े बड़े नेताओं को खोजना पड़ता है कि कहाँ से कमाई हो, उलट गया कहानी। अरे स्ट्रेटजाइज करना है तो इसी पे स्ट्रेटजाइज करो ना, हाउ टू गेट इनकम टू दोज पीपल हु आर एसोसिएटेड विथ यू, दिस नॉट पॉलिटिक्स, मैं जस्ट एक लाइटर वेन में कह रहा हूँ। तो आप, पार्टी का रिवाइवल तभी होगा कांग्रेस का जब वो अंदर से लोगों को उठाए, उनको आगे बढ़ाए, मजबूत करे। हाँ एक बात है, नेतृत्व की जहाँ तक बात आती है तो इसमें कोई दो मत नहीं है कि आज कांग्रेस का जो आला कमान जिसको कहते हैं ना, जो लीडरशिप इज़ अ वेरी इमेच्योर लीडरशिप। आज की तारीख में ये सर्टेन नहीं है कि इनका डिसीजन मेकर कौन है, तीन में से कौन है, सोनिया जी कॉल लेती हैं, राहुल जी कॉल लेते हैं, या प्रियंका जी कॉल लेते हैं। और अगर तीनों कॉल ले रहे हैं अलग अलग तो फिर आप समझ लीजिए ये कोई ब्रह्मा और विष्णु तो है नहीं, महेश तो है नहीं। और अगर है, उसी तरीके से आप देख लीजिए, एक डिस्ट्रॉयर है तो एक क्रिएटर है तो एक प्रिजर्वर है, तो बताना पड़ेगा ना कि कौन डिस्ट्रॉयर है, ये आइडेंटिफाई कर लो आप। रुद्र का रूप किसका है, रुद्र का भी बहुत पॉजिटिव रोल और रूप होता था तो वो भी मैं मान लूंगा। मेरा कहना है कि ये तीन धड़े, तीन जो पोल है, ये जब तक नहीं ख़त्म होगा कांग्रेस से, एक डिसीजन मेकर होना चाहिए, या तो राहुल हो, प्रियंका हो, या सोनिया हो। और आफ्टर ऑल क्यों हो, गांधी परिवार से ही, आखिर गांधी परिवार से ही क्यों नेता हो, क्या नेताओं की कमी है कांग्रेस में?
मुझे तो कांग्रेस में हर आदमी नेता नजर आता है और कांग्रेस के हर आदमी नेता है। ठीक है, आप उनमें से कोई एक नया फेस चुनो जिसमें थोड़ी बहुत समझ हो, थोड़ी बहुत, आज के नेताओं की बात मैं नहीं कर रहा, यू ट्राई टू फाइंड आउट अ लीडर। भारतीय जनता पार्टी ने अडवाणी जैसे नेता को साइड करके मोदी को उठाया ना। मोदी उस समय क्या थे, गुजरात के सीएम थे, नेशनल लेवल पे उनसे बहुत बड़े बड़े नेता भरे पड़े थे, इवन राजनाथ सिंह थे, अडवाणी जी तो थे ही। इनको लाया गया गोवा के कन्वेंशन में, इनको सामने किया गया क्योंकि एक फेस था। इन्होंने गुजरात में अपने को बता दिया था कि हम क्या करना चाहते। ठीक है, इनके अपनी राजनीति गलत हो, सही हो, पोलराइज्ड हो, ना पोलराइज्ड हो, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, पर एक डिसीजन तो लिया ना पार्टी ने। अगर पार्टी स्टिक कर गई होती कि नहीं नहीं मैं अटल जी को कैसे छोड़ दूं, अडवाणी जी को कैसे छोड़ दूं, इतने दिनों से रथ चला चला कर पार्टी को यहां तक लाए हैं, तो रथ ही चलता रहता, शायद सरकार नहीं चलती। तो यही है कांग्रेस, कांग्रेस में रथ चला रहे हैं। अब गांधी के नाम पे कांग्रेस चला रहे हैं, ये पार्टी को जब तक, प्रशांत का एक चीज अच्छा था कि स्ट्रक्चरल चेंजेस चाहिए, पर उसके स्ट्रक्चरल चेंजेस का मतलब अलग था, उसके स्ट्रक्चरल चेंजेस का मतलब पॉलिटिक्स नहीं था, वो बिजनेस था। वो अपने इंटरेस्ट के लिए, वेस्टेड इंटरेस्ट जो होता है किसी भी बिजनेसमैन का होगा, मेरा भी अगर कोई अगर एजेंसी हो और कोई पॉलिटिकल पार्टी मुझे बुलाए, और मैं तो कोशिश करूंगा कि किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ एसोसिएट होकर उनके स्ट्रेटजिस्ट बन जाऊँ, उनके इलेक्शन का पूरा भार मुझे मिल जाए और करोड़ों रुपये की कमाई हो जाए। पार्टी जीते ना जीते, जीत गया तो वाह वाह मैंने दिया, हार गया तो दे डिडंट फॉलो मी, मेरी बात माने होते तो शायद सरकार बना चुके होते। ठीक है, यही है राहुल जी। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर, और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।